वही श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की सुंदर साथी ध्यान अथवा चितवनी से संबंधित जितनी भी शंकाएं हमारे अंदर है, सभी सुंदर साथ से ये आग्रह किया गया था कि जिन दिन का भी जो भी प्रश्न हो वो लिख करके दें और स्वामी जी उसका समाधान करेंगे। तो इसी शंका समाधान के क्रम में सबसे पहला आज के कार्यक्रम का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि ध्यान साधना करते रहने पर भी हमारी रहनी में बदलाव क्यों नहीं आ पाता है। हमको ये मालूम नहीं है कि हमने लाखों बार नहीं करोड़ों बार इस संसार में जन्म लिया होगा। लाखों जन्मों में हमने मद्यमांस का सेवन किया होगा, काम क्रोध मद लोभ का बोझ हमारे सिर पर आज तक चला आ रहा है। जो चित्त में संस्कार होते हैं वे संस्कार बिना राज्य के ध्यान के प्रेम विरह की अग्नि में जल नहीं सकते, के बिना जलेंगे नहीं। अब देखते हैं, एक मैं दृष्टांत देता हूँ। एक चोर था, कहीं से उसको झटका लगा और वो महात्मा बन गया, लेकिन जीवन भर तो उस बेचारे ने चोरी की थी, चोरी की आदत कहाँ छूटती। महात्मा के कपड़े पहन लेता था, महात्माओं के बीच में रहता था, रात को उसको नींद ना आए क्योंकि पूरी रात तो पहले चोरी करता रहता था। अंत में वो क्या करता था, रात को एक महात्मा के कमंडल उठाकर दूसरे के पास रख देता था। जब तक ऐसा करता नहीं था उसको नींद नहीं आती थी। चोरी कमंडल की कर नहीं सकता था क्योंकि पकड़ा जाएगा, महात्माओं से बहिष्कृत हो जाएगा, लेकिन ऐसा करके ही वह संतोष करता था। जब हमारे अंदर विकारों की जड़ें गहराई तक जमी होती है और हमारे अंदर एक विवेक की किरण जब फूटती है तो सोचते हैं कि नहीं अब हमें इसमें पढ़ना नहीं है, तो ध्यान का सहारा लेते हैं, स्वाध्याय का सहारा लेते हैं, चर्चा सत्संग का सहारा लेते हैं और जब तक उसमें लगे रहते हैं तब तक हमारा मन शांत रहता है। जैसे ही वो प्रकाश हटा चर्चा का, सत्संग का, ध्यान का, फिर वो विकारों का आवरण हमारे ऊपर छा जाता है और कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति भक्ति साधना में रत रहता है तो लोग क्या कहते हैं, देखो वो तो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, आंखें बंद करके ध्यान भी करते हैं, वाणी भी पढ़ते हैं, फिर भी उनकी रहनी नहीं सुधरती। क्यों? क्योंकि विकारों की अग्नि बहुत अंदर प्रज्वलित हो रही है, वो इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है। इसमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। यदि मनुष्य अपना अहंकार छोड़ दे तो सत्य को आसानी से ग्रहण कर सकता है। एक बात देखिए, मनुष्य पाप क्यों करता है, कैसे करता है? कामस्य विचा संकल्प संकल्पाते हो जायते, आपके मन में कोई भी कामना पैदा होती हो तो उसका बीज क्या है, संकल्प। संकल्प के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं एक दृष्टांत देता हूं, दृष्टांत सच्ची घटना है। गौतम बुद्ध ने अपने दो शिष्यों को ध्यान के लिए भेजा, एक को हिमालय पर्वत पर भेज दिया और एक को वेश्यालय में भेज दिया। दोनों आए निश्चित समय पर। बुद्ध ने वेश्यालय वाले का ज्यादा सम्मान किया, हिमालय पर्वत वाले का कम। वो शिष्य पूछता है कि भगवान मैं तो जंगल में रहा, हिमालय पर्वत की गुफा में रहा, मेरा आपकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं, और जो वेश्यालय में रहा उसका आपने इतना सम्मान किया, इतना आशीर्वाद दिया। बुद्ध कहते हैं कि देखो तुम ऐसे स्थान पर थे जहाँ पतित होने की संभावना ही नहीं थी, भोग का कोई साधन नहीं था, और यह तो दिन रात विश्वालय में रहता था, किसी भी समय पतित हो सकता था, लेकिन इसकी संकल्प शक्ति मजबूत थी, दृढ़ता थी, धैर्य था, जिसके कारण इसने दृढ़ संकल्प किया कि मैं बुरे कर्म कर ही नहीं सकता, इसलिए इसकी तपस्या तुम्हारी तपस्या से बहुत बड़ी है।
हमारे सामने भोग का कोई साधन रखा है, हम विचलित हो जाते हैं, धैर्य खो बैठते हैं। लेकिन हम सोचे कि हम कौन हैं, यदि हमें बोध हो जाए, हमारे अहंग में ये बोध हो जाए कि हम शरीर नहीं हैं, हम इंद्रियां नहीं हैं, हम अंतःकरण नहीं हैं, तो जितने शब्द स्पर्श रूप रसगंध के साधन होंगे हमें लुभा नहीं पाएंगे। कामस्य बीजा संकल्प, जब हम संकल्प करेंगे कि इस भोग को भोगेंगे तभी तो हमारी रानी खराब होगी। जब संकल्प ही नहीं रहेगा, हमारा संकल्प केवल राज्य के लिए रहेगा, हम राज्य के प्रेमी भावलीनता के भावों में डूबे रहेंगे तो हमसे कोई भी पाप नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हम ध्यान साधन करते हैं तो थोड़ा करते हैं, आधा घंटा बैठ लिया, आँख मूंद लिया, एक बार साबुन लगाने से थोड़े कपड़े साफ हो जाएगा। आप बैठे रहिए और अपने अहम को भूल कर कि मैंने कितनी साधना की है, कितना किया, सब भुला दीजिए। क्योंकि यदि आपके प्रेम में यह अहंकार आता है कि मैंने इतनी साधना की है, तो वो अहंकार पतन का कारण बनता है। ज्ञान के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। सारा संसार आपको सबसे बड़ा विद्वान मानता है तो माने, आप ना मानिए कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं। आप बहुत अधिक साधना करते हैं फिर भी आप अहंकार ना लीजिए कि मैं सबसे अधिक साधना करने वाला हूं, क्योंकि ये अहंकार आपके पतन का कारण बन जाएगा। जब आप राज्य से समर्पण की भावना में कहेंगे कि राज्य आम निर्विकारो धर्मात्मा च भवम, मैं निर्विकार हो जाऊं, प्रतिदिन शुद्ध हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आप निर्विकार हो जाएंगे। लेकिन यदि आप राज्य से नहीं कहते हैं और दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसकी रहनी बहुत खराब है, मेरे जैसी किसी की रहनी नहीं, तो एक दिन आपकी रहनी खराब हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी रहनी का अहम ले लिया, दूसरे पर कीचड़ उछाला। यदि हम साधना में के क्षेत्र में परिपक्व हो जाते हैं तो कभी भी इस तरह की भूलें नहीं करेंगे। हमारी साधना अभी परिपक्व नहीं होती है तो हमारी रहनी खराब होती है। जब साधना हमारी परिपक्व हो जाएगी तो रहनी भी उचित स्तर पर हो जाएगी। जैसे अंगुलिमाल ने बुद्ध के सामने समर्पण किया तो उस दिन से उसके अंदर किसी तरह का विकार नहीं दिखा, उस पर डंडे पड़ रहे हैं फिर भी धैर्य से सिर नीचा किए सबके डंडे खा रहा है, लुहलुहान हो गया है, लेकिन किसी की तरफ उसने क्रोध नहीं किया। वह अंगुलिमाल जो 999 व्यक्तियों की गर्दन काट चुका था, उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहन रहा था, और उसने माँ को कहा कि देखो यदि एक व्यक्ति की कमी है, शाम तक नहीं मिलेगा तो तुझे ही मारकर तेरी अंगुलियों की माला बनाकर पहनूंगा। ऐसा क्रूर व्यक्ति भी यदि समर्पण करता है तो सहनशीलता भी अपना लेता है। यदि बुद्ध के समर्पण का ऐसा फल होता है तो राज्य के प्रति समर्पण का क्या फल होगा? आप इतना कर दीजिए कि हमारे हर कार्य को राज्य देख रहे हैं, फिर आप बुरे काम क्यों करेंगे? आप किसी पर क्रोध क्यों करेंगे? लोभ आपको क्यों सताएगा? ये भूले तब होती है जब हम सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। आप यह सोचें कि राज्य हमारे हृदय में है, हमारे हृदय के हर मनोभावों को जानते हैं। हम पीठ पीछे निंदा भी कर रहे हैं तो राज्य की दृष्टि में वो पकड़ी जा रही है। हम सबको धोखा दे सकते हैं, राज्य को तो धोखा नहीं दे सकते। हमारी साधना भी कच्ची है तो हमारी रहनी भी कच्ची है। यदि हमारे अंदर पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम और पूर्ण साधना की परिपक्वता हो जाएगी तो हमारी रहनी भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, साधना के पथ पर चलते हुए कभी पैर फिसलता है तो विचलित मत हुआ कीजिए। जो घोड़े पर चढ़ता है बेचारा कई बार गिरेगा, लेकिन एक बार तो चढ़ेगा ही। हिमालय पर चढ़ते समय कई बार असफलता हो जाती है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प है कि मुझे उस एवरेस्ट पर पहुंचना है तो हम पहुंच ही जाते हैं। शेरपा तेन सिंह जिसने सबसे पहले एवरेस्ट पर झंडा फहराया था, एक बार असफल हो गया, उसने दृढ़ संकल्प किया कि एवरेस्ट ये मत समझो, एक दिन मैं तुम पर झंडा फहराऊंगा, और फहरा लिया। उसके बाद तो आश्चर्य की बात है कि पैरों से अपाहिज व्यक्तियों ने भी एवरेस्ट पर झंडा फहरा दिया। ये कैसे हुआ? दृढ़ संकल्प से हुआ। इसलिए अक्षरातीत क्या है? अनंत प्रेम के सागर, अनंत दया के सागर, अनंत कृपा के सागर। और कितनी दूर है? इतने नज़दीक हैं कि प्राण की नली से भी नज़दीक, लेकिन हमको उन पर विश्वास नहीं है।
उनसे हम प्रेम करेंगे और शुद्ध हृदय से कहेंगे कि राजी इस विकार से हमें बचा लीजिए और हमें निर्विकार कर दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए जब आप रात को सोने जाते हैं तो सोते समय चार मंत्रों को दोहराइए जो चितवनी में बोले गए हैं, मम प्राणेश मम हृदय अगच्छ, अहम सत्यवादी धर्मात्मा च भवाम, अहम निर्विकारो भक्तिमानश्च भवाम। और एक जो विद्यार्थी है वो जोड़ सकते हैं अहम महान विद्वान भवाम, नहीं तो सुंदर साथ इन्हीं तीन पंक्तियों को ही दोहरा ले कि राज्य में ऐसा बन जाऊं, यह संकल्प करके सो जाइए। सवेरे उठिए तो पहला काम राज्य का ध्यान करना और उसके बाद इन तीन वाक्यों को दोहराना, ये नियमित जारी रखिए, देखिए कुछ समय के बाद इसका परिणाम आने लगेगा। दूसरा प्रश्न है, हम ध्यान की सही दिशा में जा रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? देखिए ध्यान का अर्थ आंख बंद कर लेना नहीं है, आप आंखें बंद कर लिए और बैठ गए दो घंटा और सबसे क्या कहते हैं, हम दो घंटे ध्यान करते हैं, दो घंटे आप ध्यान नहीं करते हैं, आप तो अभी धारणा के मार्ग पर चल रहे हैं। आप उसको ये मत कहिए कि हम ध्यान कर रहे थे, आप ये कहिए कि हम साधना कर रहे थे। साधना किसको कहते हैं? साध्य को पाने के लिए जो कुछ प्रक्रिया की जाए उसको कहते हैं साधना। इसमें यम नियम से लेकर समाधि से पहले ध्यान तक की सारी प्रक्रिया साधना कहलाती है, धारणा भी प्रत्याहार भी। प्रत्याहार किसको कहते हैं? अंतर्मुखी होना। जब आपका मन बाहर भटक रहा हो तो उसको कहते हैं प्रत्याहार। धारणा किसको कहेंगे? जब राज्य के श्रृंगार में आप अपने मन को लगाते हैं, चित्त को लगाते हैं, सुरता को लगाते हैं, तो कहलाएगी धारणा। और जब धारणा का परिपक्व रूप होगा वो कहलाएगा ध्यान। जब आप दो घंटे बैठे, एक घंटे बैठे, आधे घंटे तक आपका मन भटकता रहा, आधे घंटे कभी मन राज्य के चरणों में लगता है भाग जाता है, तो आप तो धारणा कर रहे थे, आप ध्यान नहीं कर रहे थे। ध्यान का अर्थ ये है कि जिस राज्य की शोभा को आप देखना चाहते हैं वह राज्य की शोभा झलकने लगे उसको कहते हैं ध्यान। और उस अवस्था में आपको कोई चौपाई याद नहीं आएगी, आप राजसमा जब भी नहीं कर पाएंगे, केवल आपकी अंतर्दृष्टि राज्य के उस श्रृंगार को देखती रहेगी, आपके हृदय में केवल प्रेम उमड़ रहा होगा, आपके नेत्र आंसुओं से भरे होंगे, आपको ये पता नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको ये पता नहीं कि किस जगह आप बैठे हैं, केवल लक्ष्य दिखता रहे वो कहलाएगा ध्यान। जब ऐसा होने लगे तो आप समझिए कि आप ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के समय किसी चौपाई की आवृत्ति नहीं करनी चाहिए, तारतम पढ़ने की जरूरत नहीं है, राजसमा भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप ध्यान में बैठे हैं, ध्यान से विक्षेप होता है, मन किसी कारण से हट जाता है, तो उस समय थोड़ी देर के लिए राज्य को पुकारिए, ज्ञान दृष्टि से नहीं, प्रेम पूर्वक, जैसे मेरे प्राण बल्लभ, मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, इतनी धीरे धीरे कहिए कि जीभ को हिलने की जरूरत न पड़े, होठों को हिलाने की जरूरत न पड़े, आपके हृदय से वो आवाज़ गुंजित हो, आपका हृदय पुकार रहा हो, क्योंकि ये शुष्क ध्यान नहीं है, ये प्रेममय ध्यान है। और उस प्रेममय ध्यान में ज्ञान के दरवाजे को बंद कर दीजिए, केवल हृदय की पुकार कीजिए, उसमें तर्क वितर्क मत लगाइए, केवल युगल स्वरूप की तरफ अपनी शोभा को केंद्रित किए रहिए। यदि ऐसी प्रक्रिया है तो समझिए कि आप ध्यान की सही दिशा में जा रहे हैं। हमारी सुरता किस प्रकार से इन लोगों को पार करके निष्ठा पहुंचती? देखिए, जो सुंदर साथ कंप्यूटर चलाते हैं उनको मालूम होता है कि उनका हाथ कहीं और होता है और स्क्रीन पर एक बिंदु चलता जाता है, हाथ माउस पर होता है लेकिन स्क्रीन पर एक बिंदु चलता जाता है। हाथ से तो कुछ निकला नहीं, शरीर से कुछ निकला नहीं, ये कैसे होता है? उसी तरह से जब आप चितवनी में लगेंगे, आपका शरीर तो यहां बैठा रहेगा,
चित्वनी वहां से प्रारंभ होती है जब आप शरीर का आभास भूल जाते हैं। यदि आपको ये लगे कि मैं पुरुष शरीर का हूँ या मैं स्त्री शरीर का हूँ, तो भी आपकी चित्वनी नहीं है, आपको तो अपने शरीर का आभास है। आपको जब ये लगे कि मेरा रूप हूबहू श्यामा जी हैं, आप स्त्री पुरुष की परिधि से परे हो गए, उम्र से परे हो गए, रूप रंग से परे हो गए। आप 60 साल के हैं तो ये मत समझिए कि मैं 60 साल का हूँ या 60 साल की हूँ। आप जब अपने को किशोरावस्था में मान लिए कि मेरा रूप रंग हूबहू श्यामा जी जैसा है, परात्मा का श्रृंगार सज गए, और तब आपने परम धाम की तरफ कदम बढ़ा दिया, तो ये आपकी सुरता जा रही है, आप नहीं जा रहे हैं। आपने तो अपने शरीर को अपना रूप माना था। आपको कोई पत्थर मारता है तो आप क्या कहते हैं? मुझे पत्थर मार दिया। आपका किसी ने अपमान कर दिया तो क्या कहते हैं? मेरा अपमान हो गया। पत्थर किसको मारा? आपके शरीर को मारा, पत्थर लगा आपके शरीर को। मन इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया कि मेरे इस शरीर को चोट लगी है, तो क्या कहता है? कि मुझे चोट लगी है। जीव दृष्टा भाव से देख रहा है, जीव को पत्थर नहीं लग सकता। नयनम चिंदन्ति शास्त्राणि नयनम दहत भावका नचे एनम क्लेदयति अपर न शोषित मारता। आपके जीव को तो सूर्य में इतनी उष्णता नहीं है कि जला सके, किसी छत शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता, अग्नि इसको जलाने में असमर्थ है, तो पत्थर भला आपके जीव को कहाँ से लग जाएगा? आपकी आत्मा को तो मारने की सामर्थ्य ही नहीं है कि एक पत्थर या सूर्य का तेज उसको जला सके। ऐसी स्थिति में आत्मा का स्वरूप परात्म का प्रतिबिंबित रूप है, और जब आपको इस शरीर से किसी तरह का संबंध ना रह जाए, केवल ये लग जाए कि मैं परात्म के श्रृंगार में पहुंच रही हूँ और मेरे सामने राज्य है, तो समझिए अब आपकी सुरता चल रही है, अभी आप नहीं चल रहे। मैंने पहले ही कहा था, शरीर मन की एकाग्रता ही आगे का मार्ग तय करती है। शरीर का स्थिर होना जरूरी है। शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, और मन स्थिर होगा तो शरीर स्थिर होगा। कैसे? दोनों में चोले दामन का साथ है। यदि आपका शरीर स्थिर नहीं है तो क्या होगा? आप बार बार पैर बदल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, खुजला रहे हैं, तो आपके मन में शरीर का भास हो जाता है, तो चित्वनी कैसे चलेगी? क्योंकि मन तो शरीर में लग गया। दूसरा, आपके सामने बहुत सुंदर पिक्चर चल रही हो, मनोरंजक हो, तो 60 साल का वृद्ध व्यक्ति भी कहता है कि नहीं, अभी मुझे खाने की इच्छा नहीं है, मुझे देख लेने दो। क्यों? वो हिलेगा डुलेगा नहीं। उस समय कोई नहीं कहेगा कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है या मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। चित्वनी में तो आधे लोग बहाना बना देते हैं कि क्या करें, बैठने का प्रयास तो करते हैं, कमर में दर्द होने लगता है, कोई पैरों में दर्द का बहाना बनाता है, ये सब बहाने हैं। यदि आप सचमुच में आपका मन लग गया तो दर्द का आभास नहीं होगा, वैसे ही जैसे मन सुंदर पिक्चर देखते समय पता नहीं चलता कि समय कैसे बीत गया। अनंते वा समापन्नम चित्तम आसनम निवर्त्यत। अनंत में यानी परमात्मा में जब मन लग गया, चित्त लग गया, तो आसनम समर्पित, आसन स्थित हो जाता है। और यदि मन नहीं लगा तो शरीर का भास हो जाएगा, तो हम आसन बदलते रहते हैं, और आसन स्थिर हो गया तो मन भी स्थिर हो जाता है, क्योंकि आसन के स्थिर होते ही मन भी अपनी गति धीमी कर लेता है। कैसे? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। जब आप दौड़ते हैं तो क्या होता है? आपकी सांस तेज चलती है। पहले दिन के प्रवचन में मैंने बोला था, तनथिर मनथिर पवनथिर सुरत निरथ स्थिर होवे। तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, पवन यानी प्राण स्थिर हो जाए। प्राण के साथ मन का संबंध है। प्राणो विलेते यत्र मन है तत्र विलेते, यत्र मन है विलेते तत्र प्राणो विलेते। मन स्थिर होगा तो प्राण स्थिर हो जाएगा, प्राण स्थिर हो जाएगा तो मन स्थिर हो जाएगा, तन स्थिर हो जाएगा तो मन भी स्थिर देर सवेर हो ही जाएगा। पहले तन को स्थिर करना पड़ेगा। प्राण का तात्पर्य क्या है? जैसे
आप ध्यान की गहराई में पहुंचेंगे तो आपके श्वास जो आ रही है जा रही है उसका वेग कम हो जाएगा। जब आप विषय भोग में फंसेंगे तो उस समय श्वास की गति बहुत बढ़ जाएगी, दौड़ने पर, शारीरिक परिश्रम करने पर बहुत बढ़ जाएगी, उस समय आपका मन चंचल हो जाएगा। सोते समय जब तमोगुण की अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, खर्राटे आने लगते हैं। जिसको साइनस का रोग होता है उसी को खर्राटे प्राय आते हैं, या गहराई में निद्रा में सामान्य व्यक्ति को भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें निद्रा का वेग बहुत ज़्यादा होता है। योगी की निद्रा योग निद्रा में होती है, इसलिए वो कम श्वास लेता है। प्राणायाम जितने देर तक करेंगे उतनी देर तक उस श्वास कुंभक के माध्यम से रुकी रहती है। परिणाम यह होता है कि कुंभक के कारण जितनी देर श्वास रुक गई उतनी देर आपकी उम्र में माना नहीं जाता, वो उतनी देर की उम्र बढ़ गई। लेकिन प्राणायाम के अभ्यास से प्राण की गति सूक्ष्म होने लगती है और मन भी शांत होने लगता है। आप सामान्य रूप से देखेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो निर्विकार है वो गहरी सांसें कम लेता है। इसे स्वास्थ्य के लिए गहरी सांसें अच्छी हैं, लेकिन तीव्र वेग से जब श्वास आते हैं प्राण की गति बहुत तेज होती है तो उस समय मन भी चंचल हो जाता है। समाधि में क्या होता है, लगता है कि श्वास आ ही जाना ही रही है। समाधि पर बहुत भ्रम भी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कई दिन तक जो गुफा में बैठा रहे, कमरे में बैठा रहे, उसको समाधि कहते हैं। ये समाधि नहीं है, ये तो हठ योग की समाधि है। वास्तविक समाधि क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, ध्यान द्वारा जो समाधि होती है वही समाधि वास्तविक समाधि है और उसी के द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। कुछ जादू दिखाने वाले भी आजकल हो गए हैं। मैंने सुना था कुछ वर्ष पहले रतनपुरी गांव के पास ऐसे लोगों का एक समूह आया जो गड्ढा खुदवा देते हैं और किसी औसत से अपने को बेहोश कर लेते हैं, गड्ढे को भरवा देते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़े योगी हैं, पैसा खूब बरसता है और वो पैसा इकट्ठा करके चले जाते हैं। वे लोग संसारी व्यक्ति होती हैं, उनको भक्ति और ध्यान से कोई मतलब नहीं होता। महाराजा हरीश रणजीत सिंह के समय में हरिदास नाम के एक हठ योगी थे। उन्होंने क्या किया, हठ योग के द्वारा अपने बाह्य प्राणों को अंतर्मुखी कर लिया और कान को, नासिका को, सबको मोम के द्वारा बंद करवा दिया। होता क्या है, जैसे हमें ऐसे किसी कक्ष में रख दिया जाए जिसमें कोई छेद न हो तो हमें घुटन होने लगती है, क्योंकि हवा नहीं है, हम श्वास कैसे लें। जो हम श्वास लेते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राण। जो छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, अपान। लेकिन जहाँ हवा ही न हो तो सामान्य व्यक्ति तो मर जाएगा। जैसे किसी की नाक मुंह बंद कर दिया जाए, श्वास लेने का कोई साधन न हो तो व्यक्ति कितने देर जीवित रहेगा, 5 मिनट से ज़्यादा तो जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन हठयोगी क्या करता है, बाहर की श्वास को रोक देता है और अंदर के प्राणवायु को 10वें द्वार में स्थित कर देता है। प्राण जो आंतरिक प्राणवायु है उसके द्वारा उसका शरीर जीवित रहता है। 10वें द्वार में स्थित होने के कारण वह कई कई महीने तक बिना श्वास लिए, बिना खाए, बिना पिए जीवित रहता है। हरिदास हठ योग की प्रक्रिया में परंगत थे। उनको एक बक्से में बंद कर दिया गया और उन्होंने क्या किया कि अपने प्राणवायु को 10वें द्वार में स्थित करके आसन लगाकर बैठ गए और ये कह दिया, जो समय निर्धारित कर दिया गया कि अमुक समय पर उनको खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि जब मुझे बक्से से निकाला जाए तो मेरे शरीर के मस्तिष्क की हल्के हल्के मालिश किया जाएगा तो मेरी प्राणवायु 10वें द्वार से फिर नीचे आ जाएगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और ऐसा ही किया गया। जानते हैं कितना समय रहा, गड्ढा खोदकर बक्से सहित तो उनको पृथ्वी में गाड़ा गया, मिट्टी से ढक दिया गया, उसके ऊपर चना बो दिया गया, चने की फसल काट ली गई। और जब बक्से को निकाला गया तो वे जीवित थे, उनके सिर की मालिश की गई और परिणाम प्राणवायु फिर नीचे आ गई, श्वास प्रश्वास आने लगी। कम से कम 3 महीने तो चने की फसल को काटने में लगते ही हैं।
तीन महीने तक उन्होंने श्वास नहीं लिया था, अन्न या पानी का एक दाना नहीं लिया था, लेकिन उस समाधि नहीं थी, हठयोग की एक निद्रा जैसी अवस्था थी। सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा, ये तीन महीने तो सांस भी नहीं लिए, पानी की एक बूंद भी नहीं लिए, इनसे जैसा योगी तो इस ब्रह्मांड में कोई होगा ही नहीं। सच्चाई क्या थी, उनमें वैराग्य का अभाव था, जो सच्ची समाधि थी उससे दूर थे, भक्ति का भाव था, वो तो हठयोग की एक प्रक्रिया थी। उन्होंने बज्रोली क्रिया को सिद्ध करने के लिए एक कुंवारी लड़की का अपहरण करके भगा ले गए, तो पूरी जो पहले सम्मान मिला था, उनको योगीराज माना था जाता था, अब उनके पूरे देश में बदनामी हो गई। कहने का अर्थ ये नहीं कि जो चार दिन तक बिना खाए पिए लगातार बैठा रह जाए वो समाधि तक पहुँच जाए। समाधि का तात्पर्य है चित्त की वृत्तियों का निरोध, और उस अवस्था में प्राण की गति कम हो जाती है। हठयोग की जो समाधि है उसमें प्राण श्वास लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। आम जनता क्या समझती है, जो बिना सांस लिए कई दिन तक बैठा रह जाए वही महायोगी, वो तो हठयोगी है, और हठयोग से ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है। इस शरीर को आपने छोड़ दिया, छोड़ देने का मतलब इसका आभास नहीं रहेगा, इतना स्थिर होकर के बैठ गए कि आप इस शरीर को भुला बैठे। अब राज्य के श्रृंगार में आप डूबते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका मन चित्त एकाग्र होता जाएगा, आपके चित्त में बाहर का जो संसार है वो तो आंखें बंद करने के साथ ही बंद हो गया। जैसे दो संसार हैं, एक संसार बाहर बसता है और एक संसार आपके मन में बसता है। आपके मन वाला संसार बहुत भयंकर है, आंखें बंद कर लिए हैं, दूसरे देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये तो ध्यान में बैठे हैं, संसार को भुला चुके हैं। लेकिन मन में जो संसार चल रहा है, आप अपने लाखों जन्मों के संसार को देख रहे हैं, लाखों जन्मों में आपने जो कुछ किया है आपके मना पटल पर, मन के चित्रपट पर वो सारे दिखाई दे रहे हैं, सपने में वही दिखाई दे रहे हैं, निद्रा में आप उसमें घूम रहे हैं। जब आप दोनों से रहित हो जाएंगे तो किस में घूमेंगे, राज्य के चरणों में। राज्य का श्रृंगार जैसे जैसे आप हृदय में बसाते जाएंगे, अंदर का संसार मिटता जाएगा, और परिणाम क्या होगा, अब आपकी सुरता काल माया योग माया को छोड़कर परम धाम में प्रवेश करेगी। काल माया को छोड़ने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, योग माया को छोड़ने के लिए राज्य के विरह प्रेम की आवश्यकता है। ध्यान करते करते आपके हृदय में इतनी कोमलता हो जाए, इतनी निर्विकारिता हो जाए, इतना समर्पण हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि अब आपकी सुरता परम धाम में प्रवेश करने लगे, आप परात्म के श्रृंगार से आप सीधे परम धाम में चल रहे हैं। चुपाई ये कहती है, फेर फेर स्वरूप को निरखिए, रूह को यही लागी रट, पूर्ण स्वरूप जब आया तब दो उठे बराबर। बार बार राज्य के श्रृंगार को देखिए, परिणाम क्या होगा, आपका चित्त निर्विकार होता जाएगा, सारे काम एक साथ होने लगेंगे। राज्य की शोभा को बसाते ही आपके चित्त में निर्विकारता आती जाएगी, आपके हृदय में प्रेम आता जाएगा, यही निर्विकारिता यही प्रेम यही समर्पण आपको परम धाम में ले जाएगा। इसलिए सुरता के द्वारा परम धाम में पहुंचने का यही एक मार्ग है। सुंदर साथ में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि हमारे समाज में एक दुर्भाग्य है कि जो चितवनी की प्रक्रिया, कल मैंने कहा था हम सुंदर साथ सबसे अधिक झूठ बोलते हैं, हमें कहना चाहिए था तन मन जीव निछावर करूं, तब तो ठीक था। हम कहते हैं कि हमने कर दिया है, न तन राज्य के ऊपर निछावर है, यदि निछावर होता तो जाड़े का मौसम बीत गया। 14 घंटे की रात होती थी, 14 घंटे की रात में हम 2 घंटे तो निकाल सकते थे, नहीं निकला, क्योंकि हम कोमल रजाई और कंबल के गद्दों में लेटना ज़्यादा अपने लिए शुभ मानते थे। न हमने तन निछावर किया, न मन निछावर किया, न जीव निछावर किया। जीव निछावर किए होते तो हमें परिवार के रिश्तों से सबसे ज़्यादा प्रिय राज्य लगते हैं, लेकिन राज्य प्रिय नहीं है, कड़वा सच है। पत्नी को पति से ज़्यादा प्रेम है, मोह है,
प्रेम तो नहीं कहूँगा, आसक्ति है। पति को अपनी पत्नी से हैं, बच्चों से हैं, रिश्तेदारों से हैं। राज्य तो सबसे बाद में आते हैं, हर रिश्ते के बाद राज्य आते हैं, औपचारिकता पूरी की जाती है। जिस दिन राज्य से सबसे अधिक प्रेम होगा, उस दिन यदि हम चितवनी न कर पाएँ, कुछ आंसू हमारे आंखों से न निकल पाए, तो हमें भोजन अच्छा नहीं लगना चाहिए। लेकिन सच ये है कि सब अच्छा लगता है। घर में सेवा पूजा पत रही है, जल्दी जल्दी मत्था टेक लिए, क्यों? क्यों रिश्तेदार आए हैं, उनकी खातिरदारी करनी है। चितवनी छूट जाए, छूट जाए। तन मन जीव निछावर किन्नु महामत चरणों लाग। आरती करने वाले सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बेचारे उरटी रटाई कर्मकांड की प्रक्रिया है। आप सोचिए, काल माया को पार कर योग माया में कैसे जाएगा, ये केवल पंचवासनाओं के सिवा कोई जान नहीं पाया। और योग माया को पार कर परम धाम में कैसे विचरण करना है, ये पंचवासनाओं को भी नहीं मालूम। और हमें वो मालूम है, लेकिन आज हमारे समाज का 40 लाख में से मैं समझता हूँ 39 लाख सुंदर सा चितवनी नहीं जानता कि कैसे चितवनी करनी है। समाज की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी चितवनी करना नहीं आता। वो क्या जानती है? ढोलक की थाप पर नाचो। केवल नाचना सिखा दिया गया है, कूदना सिखा दिया गया है कंगारुओं की तरह। कर्मकांड के लिए मालाएं पकड़ाती गई हैं। अभी सुना जा रहा है एक अहमदाबाद में भविष्य में कार्यक्रम होने की संभावना है, जिसमें 16,000 तो पाठ रखे जाएंगे, 16 लाख बार मेहर सागर का पाठ किया जाएगा और 16 करोड़ बार तारतम महामंत्र का जप किया जाएगा, मंत्र का जप किया जाएगा। ये मंत्रों का पाठ तो दुनिया पहले से करती आ रही है बेचारी, किसी को निराकार में भी जगह नहीं मिल पाई। परम धाम का ज्ञान अवतरित होने के बाद हाथों में माला पकड़ा दी जाएगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? 400 मंदिरों में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, क्या हुआ? आत्मा को कौन सी उपलब्धि हुई? लेकिन कहीं भी चितवनी का प्रकाश नहीं दिखाई देता। सबसे बड़ी उपलब्धि हमें करनी चाहिए थी, हमें ध्यान में डूबना चाहिए था, हमने नहीं किया। हमने जो प्रवाही कर रहे थे अज्ञानता में, हमने उसको पकड़ा। और एक नया फैशन चल गया है, पुराने मंदिरों को तोड़ तोड़ कर खूब सुंदर मंदिर बनाओ, उस पर सोने के कलश लगाओ, दरवाजों पर सोने लगा दो, सीढ़ियों पर सोने लगा दो, इससे मिलेगा क्या? वाणी का प्रकाश नहीं फैलाना है, किसी को चितवनी नहीं सिखानी है, किसी की आत्मा के अंदर विरह नहीं पैदा करना है, केवल सोने का श्रृंगार, ये मात्र आडंबर के सिवा कुछ नहीं। मेरी बातें बहुत कड़वी हैं, लेकिन ये तो लाखों सुंदर साध की आत्मा का सुख छीना जा रहा है। आप सोचिए, यदि कोरा से कोरा जीव चितवनी की राह पर चल पड़ेगा, तो उसको भी ब्रह्म सृष्टि के जीव वाला स्थान मिलेगा, अर्थात सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठी। ये जो षोडश उपचार पूजन है, अक्षतम समर्पयाम, पुष्पम समर्पयाम, और क्या क्या, तांबुलम समर्पयाम, हम भी तो करते हैं सेवा पूजा में, हम भी तो सब काथो सुना काथो चूना पान सुपारी लौंग इलायची हम भी बोला करते हैं। हमें उठकर मूल मिलाव में विचरण करना चाहिए, युगल स्वरूप के साथ एकात्म भाव अनुभव करना चाहिए। सागर श्रृंगार की वाणी में कहीं लिखा है काथो चूना पान सुपारी लौंग इलायची? राजी, ये पान बीड़े खाते हैं क्या? सर्वशक्तिमान अक्षरातीत को हमने यहाँ के भाव से सेवा पूजा में बाधा है। हाँ, कम पढ़े लिखों के लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन आज सारी दुनिया चितवनी की तरफ चल रही है और 70 साल की हमारी उम्र हो गई है, उसमें में भी हाथ में माला और सेवा पूजा का गोटा। क्या जीवन भर नर्सरी की पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो कब हम विश्वविद्यालय में जाएंगे, कब हमें पीएचडी की डिग्री मिलेगी, कब हम राज्य से मिलेंगे, कब राज्य के दिल में प्रवेश करेंगे? ये तो बातें इस जन्म में पूरी ही नहीं होनी है। समाज को दिशा देने वाले ही भटके हैं तो समाज तो भटकेगा ही। चितवनी हमारी आत्मा का आहार है। वितक में क्या लिखा है? तहां चितवनी धाम की करत है सब कोई। सागर की वाणी क्या कहती है? चितवनी युगल किशोर की देत कदम नूर जमाल। राज्य के चरणों को हृदय में बसाना है तो चितवनी करनी पड़ेगी, लेकिन समाज का एक वर्ग चितवनी के विरोध में है और सारी शक्ति लगा दी जाती है कि चितवनी फैलने न पाए, केवल सेवा पूजा का प्रशिक्षण दे दिया जाता है। और जब 16 करोड़ मंत्रों का जप करने के लिए, यानी तारतम मंत्र को 16 करोड़ बार जप किया जाएगा, इसमें खर्चे कितने होंगे?
इस आयोजन में तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। हमारे समाज के गरीब सुंदर साथ के पास तो 10 रुपये का कोई ग्रंथ खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। समाज में ज्ञान की आवश्यकता है, हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक को चितवनी में डूबने की आवश्यकता है। और जो समाज चितवनी ध्यान कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे समाज का पतन का कारण है केवल कर्मकांड। देखिए ब्रह्मा कुमारी वाले कहाँ फंस चुके, पूरी दुनिया में फैल गए। राधा स्वामी मत पूरी दुनिया में फैल गया, निरंकारी मत पूरी दुनिया में फैल गया, और प्रणामी समाज जहाँ था 100 साल पहले आज भी वहीं पर है। और पतन के लिए सारी ऊर्जा मंदिरों में लग जाती है। सबसे अधिक गुटबंदी, सबसे अधिक झगड़े हमारे समाज में होते। क्यों? क्योंकि चितवनी हमें करनी नहीं है। इसलिए यदि किसी को अपनी आत्मा का सुख खोजना है तो चितवनी करनी ही पड़ेगी। युगल स्वरूप का दीदार करना है, चितवनी करनी ही पड़ेगी। पहले तो हमें सिखाया जाता है कि चितवनी कुछ नहीं है, और इस तन से राज्य को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि राज्य सामने आएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। ये अफवाहें हैं, इन पर किसी को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है कि यह कहना कि राज्य का दर्शन नहीं हो सकता, इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं। जब प्रकट वाणी में लिखा है कि पिया किए अति प्रसन्न, तीन बेर दिए दर्शन, जब राज्य को दर्शन, राज्य देवचंद जी को राज्य का दर्शन हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। जब श्री जी चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ को बैठे बैठे इन नैनों से दर्शन होते हैं। सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साई जिन्हों जैसे चाहिया। सुर असुर सबके लिए। राज्य का निर्देश क्या था कि मैं सारे ब्रह्मांड के लिए आया हूँ। सुर असुर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबके लिए आया हूँ। सारे संसार में हमें चितवनी फैलाने का निर्देश था, लेकिन आज तो चितवनी करने वाले उंगलियों पर हैं। हाँ, नाचने वाले सबसे अधिक है। मैंने बड़े बड़े स्थानों पर देखा है, सुना है, भजन गाने वाला भी बेचारा हारमोनियम संभाल रहा होता है और नाचने के लिए उचकने के लिए 15-20 खड़े हो जाते हैं, और उसमें बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी होती हैं। जो समय चितवनी में लगना चाहिए था वो सभा के बीच में उछलने कूदने में लग रहा है। हमारा तत्वज्ञान क्या है? ये समाज को विनाश की तरफ ले जाना है। इसलिए यदि समाज को आगे बढ़ाना होगा तो सभी आडंबरों को छोड़कर वाणी के ज्ञान को सबके हृदय में बसाना होगा और युगल स्वरूप की छवि को बसाना होगा। इसके सिवा कोई विचारा नहीं। चित्तौली के मध्य में ऐसा लगता है कि नींद आ गई है, क्या वह नींद है या ध्यान हो गया है? देखिए, एक नींद होती है, एक योग निद्रा होती है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें सत्व रज और तम न हो। सत्वगुण का कार्य क्या है? ज्ञान। रजोगुण का कार्य है क्रिया, और तमोगुण का कार्य क्या है? स्थिति। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तमोगुण के लक्षण हैं। हमारा आहार जितना तामसिक होगा हमारे अंदर निद्रा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यदि हम फल खाते हैं, अल्प मात्रा में रोटी दाल चावल खाते हैं, सात्विक आहार होगा तो हमारी निद्रा की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए यदि आप चितवनी करते हैं तो अपने तमोगुण को कम से कम करने का प्रयास कीजिए। पूर्ण तो समाप्त नहीं होगा, जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब तो चित समाधि की अवस्था हो जाएगी। आपके अंदर रजोगुण और तमोगुण का जब लेस हो जाएगा, समापन हो जाएगा, तो आप निर्विज समाधि में पहुंच जाएंगे, जिसमें आप में और राज्य में कोई भेद नहीं रह जाएगा। ये तो मार्फत की अवस्था हो जाएगी। रजोगुण और तमोगुण को जितना कम कर सकते हैं कम कीजिए, तो आपकी निद्रा कम होती जाएगी। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, जब व्यक्ति गरिष्ठ भोजन करके सोता है तो गहरी निद्रा में सोता है, उसको 6 घंटे 5 घंटे की निद्रा चाहिए। उसको यदि रोकता है तो रोग बन जाएगा, क्योंकि अंदर गरिष्ठ पदार्थ, तामसिक पदार्थ डाल चुका है। जैसे बहुत तले हुए घी के पदार्थ, पूड़ी पकवान, खूब गरम मसालों वाली सब्जी, और जो जो गरम चीज़ें होती हैं, आप खूब भर पेट खा लिए, ऊपर से भैंस का खोलता हुआ दूध भी पी लीजिए, आप सोचे कि
हमें 2 घंटे सोना है और ध्यान में बैठना है तो झपकी तो लगती रहेगी। तो इसको कहेंगे निद्रा, चाहे भले ही ध्यान में बैठे हैं। किंतु यदि आपका आहार सात्विक है, आपकी निद्रा घटकर 6 घंटे से 3 घंटे पर आ गई है, ध्यान में बैठे हैं, पल भर के लिए राज्य की शोभा से हटकर ध्यान विचलित होगा थोड़ी देर के लिए, उसमें निद्रा का थोड़ा सा असर होगा, उसको कहेंगे योग निद्रा। लेकिन उस निद्रा के हटने से 1-2 मिनट के लिए वो बात आएगी, आपका ध्यान संसार में नहीं जाएगा, वो सीधे राज्य में ही जाएगा। राज्य से हटेगा तो राज्य में ही जाएगा। निद्रा में आप संसार में विचरण कर रहे हैं, जब कच्ची निद्रा होगी तो स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं। निद्रा और स्वप्न से परे योग निद्रा होती है, जिसमें सुरता राज्य के चरणों में पहुंच चुकी होती है या मन राज्य की शोभा श्रृंगार में डूब रहा होता है, किसी कारण से तमोगुण के किसी थोड़े से अंश से व्यवधान होता है तो राज्य के चरणों में वो पुनः लग जाती है, इसलिए इसको योग निद्रा कहते हैं। और जब आप आसन सिद्धि की तरफ कदम बढ़ा रहे होंगे तो बड़े से बड़े परमहंस को भी प्रारंभिक अवस्था में कुछ झोंके आ ही जाते हैं। क्यों? आप देखे होंगे जब आप खड़े रहेंगे तो आपको नींद कम आएगी, बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। बिस्तर पर लेटने के पश्चात मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ जाता है और शरीर बिल्कुल निढाल हो गया होता है, नींद आती है। किंतु यदि बिस्तर में कुछ उबड़ खाबड़ हो तो आप बेचैन हो जाते हैं कि यहाँ कुछ ऊंचा नीचा है, नींद नहीं आ रही है, इसलिए बिस्तर को कोमल बनाते हैं। जब आपका आसन बिल्कुल जम जाए तो जैसे बिस्तर पर सोने का सुख होता है, वैसे बैठे बैठे आसन पर बैठने का भी होता है। माला फेरते हैं, जब आप जप करेंगे तो निद्रा नहीं आएगी, क्योंकि जप में तो आपका होठ हिल रहा है, जीवा हिल रही है। किंतु जब भी आप किसी लक्ष्य पर ध्यान को एकाग्र करेंगे तो जीव होठ का हिलना भी बंद हो जाएगा और उसमें झपकी होने की संभावना रहेगी। इसलिए यदि आप इस अवस्था में हैं तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आप सही मार्ग पर हैं। ये बात वैसे ही है जैसे क्लर्क की परीक्षा पास करना बहुत सरल है। इंटर पास करके कोई क्लर्क की परीक्षा देता है, तुरंत नौकरी ले आता है और सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवाता है कि मुझे नौकरी लग गई। जो IAS की पढ़ाई करता है उसको स्नातक होना जरूरी है और उसके पश्चात 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने पर भी कोई गारंटी नहीं है कि IAS पास ही कर पाएगा, फेल होता है। पड़ोसी कहते हैं कि वो तो नौकरी के लिए परीक्षा देने गया था, फेल हो गया, तो उसकी बदनामी होती है। लेकिन जिस दिन वो पास होगा उस दिन तो कितने बड़े पद पर पहुँचेगा। उसी तरह आंखें बंद करके यदि आप जप करते हैं तो आपको निद्रा नहीं आएगी। रात समय करते रहे, पूरी रात नींद नहीं आएगी। किंतु जब मन को आप एकाग्र करेंगे तो आपको झपकी लग सकती है पहले प्रयास में, क्योंकि निद्रा में भी मन शांत हो गया होता है। गहरी निद्रा में तमोगुण के प्रभाव से मन की गति रुक गई होती है और ध्यान की प्रक्रिया में सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है, किंतु तमोगुण सूक्ष्म रूप से रहता है वो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया होता है, झपकी लग सकती है। तो उससे घबराइए नहीं, प्रयास बनाए रखिए कि भविष्य में ऐसा न हो। यदि आप ऐसा प्रयास करते हैं तो एक दिन सफलता आपके कदम चुनने की, इससे विचलित होने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। अगले जो 2 प्रश्न हैं मैं उन दोनों को समाहित करना चाहता हूं, क्योंकि दूसरा प्रश्न था चित्तों में नींद क्यों आती है, तो कारण स्वामी जी ने बता दिया है कि आहार इत्यादि का असर होता है। तो इसमें एक प्रश्न लिखा है कि जीव के स्वाद से कैसे बचा जाए। इसके लिए तो आपको दृढ़ संकल्प करना ही पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्वाद किसको कहते हैं? लोग कहते हैं कि मांस बहुत स्वादिष्ट है, जिनको मांस का चस्का लग जाता है बेचारे लाख प्रयास करते हैं, छोड़ना कठिन होता है। आज दुर्भाग्य है जो अपने को शिक्षित कहते हैं, 5-स्टार होटलों में रहने वाला कहते हैं, विकसित कहते हैं, वो जानते हैं क्या खाते हैं? चमगादड़ का सूप पीते हैं। चाइना वाले क्या करते हैं? चमगादड़ का उनको सूप चाहिए, कांकरेज का सूप चाहिए, दीमक की चटनी चाहिए, और क्या खाएंगे?
और तो और आज का मनुष्य मनुष्य के बच्चे का मांस खा रहा है। जापान में एक रेस्तरा खुला है जिसमें गर्भपात के बच्चे रखे जाते हैं और जिसको खाने की इच्छा होती है उसका मांस पका कर दे दिया जाता है। और जापान वाले क्या कहेंगे, हम दुनिया के सबसे विकसित होंगे, विकसित देश होंगे। आप सोचिए, राक्षस भी ऐसा काम नहीं करते थे, पुराणों में जो वर्णित है, वो भी गर्भ के बच्चे को तो कोई मांस नहीं खाता था। ये जो वायरस फैल रहा है कहाँ से फैल रहा है, चाइना में क्या होता है, गर्म पानी में मेढक है और जानवर होते हैं, उसको निकालते हैं और कच्चे खा जाते हैं, चबा जाते हैं। उनको उनका कहना है कि हमें इसमें स्वाद आता है, स्वाद नहीं आता, मांस में कोई स्वाद नहीं है। स्वाद तो मिर्च मसालों में होता है, जो स्वाद मांस के खाने में होता है उन्हीं मिर्च मसालों को आप कटहल है, सुरंग है, पपीता है, आलू है, सोयाबीन है, इसमें डाल दीजिए तो मेरा अनुमान है कि उसका स्वाद भी मांस जैसा हो सकता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला है मांस खाने के लिए नहीं, हड्डी चूसने के लिए नहीं। जो लोग मिर्च मसालों के शौकीन होते हैं, जब उनको वैसी सब्जी नहीं मिलती तो उठा करके फेंक देते हैं। उस सामान्य सी सब्जी को क्या कहते हैं, घास पात, क्योंकि जिह्वा को चस्का लगा है, मिर्च मसालों का स्वाद लगा हुआ है। आप जो सात्विक मसाले हैं, धनिया है, जीरा है, हल्दी है, इसको खाइए, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन उत्तेजक जो मसाले हैं, खूब लाल लाल मिर्ची डालकर खूब तेल में उसको तल करके जो खाते हैं तो उनको लगता है कि यही सब्जी है और उस स्वाद के वे आसक्त हो जाते हैं। एक बात देखिए, जब मनुष्य किसी भोग को बार बार करता है तो उसकी आसक्ति की वासना उसके चित्त में बस जाती है, उसको उसके बिना चैन नहीं आता। जैसे किसी भी व्यक्ति को पहले बार शराब पिलाइए तो उसको कड़वी लगेगी, देखिए वो मुंह जरूर सिकोड़ेगा, सीधे ढंग से शराब नहीं पी सकता। फिर दूसरे दिन और चाहेगा, तीसरे दिन थोड़ा और बढ़ाते जाएगा, बाद में बोतल की बोतल हलक में उड़ेलता जाएगा। स्थिति ऐसी है कि जब उसको शराब से रहित किया जाएगा तो व्याकुल हो जाएगा, लड़ने झगड़ने लगेगा, शराब में कोई स्वाद नहीं। मैंने पूछा है शराब पीने वालों से, स्वाद कैसा लगता है, कहते कि कोई स्वाद नहीं, कड़वी लगती है। फिर भी उसके लिए लाइन लगेगी, आप बढ़िया से बढ़िया भोजन शरबत कुछ भी रखिए, उसके लिए कहीं शहरों में लाइन नहीं लगती। मनुष्य जब बुरे कर्म करता है तो बुरे कर्म की आदत उसको ऐसी पड़ जाती है कि उसके बिना उसको चैन नहीं पड़ता। ये अभ्यास पर है। जिसने अभक्ष खाने की आदत डाल ली है उसका संस्कार प्रबल हो चुका है, उसको जब वो नहीं मिलेगा तो उसके लिए व्याकुल हो जाता है। इसको छोड़ने के लिए पहली चीज है इसके अवगुणों को जानना, कि मांस खाने से, शराब पीने से, तंबाकू खाने से, देखिए तंबाकू भी वैसे ही है, तंबाकू ऐसा पदार्थ है जिसको गधा भी नहीं खा सकता, ऊंट भी नहीं खा सकता, गुजरात में बहुत खेती होती है। तंबाकू लोग क्यों बोते हैं कि इसको नीलगाय भी नहीं खाएगी, कोई दुनिया का जानवर खाएगा नहीं, लेकिन मनुष्य उसको होठों के नीचे दबाए रहता है। दो आदमी बोलेंगे नहीं, लेकिन तंबाकू का जब नशा चढ़ता है तो एक व्यक्ति दूसरे से कह देगा कि उनसे जाकर तंबाकू मांग लाओ, अपना अहंग छोड़ देगा। ये अहंग परमात्मा को पाने के लिए नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी उसका में कोई स्वाद नहीं, तंबाकू में स्वाद नहीं, मांस में स्वाद नहीं, शराब में स्वाद नहीं। आप में जितने सुंदर साथ बैठे हैं, मिर्च के जो शौकीन हैं, एक चम्मच लाल मिर्च आपकी जिह्वा पर रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, आप तुरंत पानी की खोज करेंगे, आप उगल देंगे। लेकिन वही मिर्च जब आपकी सब्जी में नहीं पड़ती तो आप बौखला जाते हैं। आपको एक कच्चा प्याज ऐसे दे दिया कि खाओ तो आपको नहीं खा सकते, लेकिन आपकी सब्जी में प्याज की छोंक नहीं लगती है तो आप नाराज होते हैं। मैं कहता हूँ प्याज औषधि है, लहसुन औषधि है, किंतु जब आप सात्विक बनना है, ध्यान की तरफ बढ़ना है, तो मैं मना करता हूँ कि आप स्वाद के चक्कर में अपने मन को तामसिक न बनाइए। क्योंकि यदि आप तामसिक बनाएंगे तो आपकी निद्रा में बढ़ोतरी होगी, आपके विकारों में बढ़ोतरी होगी, आपका ध्यान कभी नहीं लग पाएगा और उम्र ऐसे ही गंवा देंगे।
छोड़ने के लिए तरीका क्या है? अटूट दृढ़ संकल्प, इसके गुण अवगुणों को जानना कि यदि हम तामसिक पदार्थ खाते हैं तो एक न एक दिन हमारा रोग बढ़ेगा। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, हृदय रोग की बढ़ोतरी देखकर डॉक्टरों ने पहला कार्य किया कि दूध पर प्रतिबंध लगा दिया, घी पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे रोग बढ़ता है, लेकिन तामसिक पदार्थों पर प्रतिबंध नहीं लगाया। किसी भी व्यक्ति को अटैक तब आता है जब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यदि 80-90% तक भी नसें नाड़ियों में ब्लॉकिंग हो गई है किंतु उनका मन शांत रहता है तो याद रखिए उसके अटैक की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर के बढ़ते ही हृदय में रक्त नहीं पहुंचेगा। और जब आप उत्तेजक पदार्थ खाएंगे तो तनाव फैलेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, रोग अवश्य आएंगे। और रोग कहाँ से पैदा होते हैं? मानसिक तनाव ही रोग का कारण है, डायबिटीज़ का हो, ब्लड प्रेशर का हो, ये हृदय रोग हो, कहीं ना कहीं इसमें मानसिक तनाव जुड़ा हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं आहारा राजस्य जैसा दुख शोक भयाप्रदा, राशि भोजन दुख शोक और भय देने वाले होते हैं। कल आपने अशोक जी का प्रवचन सुना था कि रजोगुणी भोजन कौन कौन होते हैं, कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण अति उष्ण रुक्ष विजायना आहारा राजस्यता दुख शोक भयाप्रदा। रजोगुणी भोजन जो लोग करते हैं वो दुख और शोक के वशीभूत होने वाले हैं। यहाँ पर चाय पर पाबंदी लगाई गई थी, अभी भी है, कितने सुंदर साथ की शिकायत आई कि हम रह नहीं पाते हैं, उनके लिए वार्षिकोत्सव में एक अलग स्टाल लगाना पड़ता है चाय का, जहाँ अपनी तृष्णा की पूर्ति कर सकें। और उनको चाय भी कैसी चाहिए? कड़क चाय। कड़क चाय जानते हैं क्या होती है? शराब से भी अधिक घातक होती है। आप चाय की पत्ती को पानी में डालकर जितना उबालेंगे उतना उसका नशा बढ़ता जाएगा, उसमें कैफीन की मात्रा और बढ़ती जाएगी। आप सोचते हैं कि हमारे लिए कड़क चाय लाभदायक है, लेकिन वो हानिकारक है और वो आपके मस्तिष्क के सेल्स को बिल्कुल समाप्त कर देगी, इतनी हानिकारक है। शराब पीने से उतनी ही हानि नहीं होगी जितनी हानि कड़क चाय के पीने से होती है। दुकान लगवा दी जाती है, कितना भी कहने पर सुंदर सा थोड़े मानता, वो कड़क कड़क बना करके पिया करता है, सोचता है कि हम औषधि खा रहे, वो तो विष खा रहे हैं। मेरे कहने का आशय ये है, यदि आप शरीर को निरोग रखना चाहते हैं, गीता में क्या कहा है, आयु सत बल आरोग्यम सुखम प्रीत विवर्धना रस्या स्निग्ध आहारा भोजनम सात्विकम प्रिया। आय बुद्धि आयु बल आरोग्यम निरोग रखने वाले सुखम प्रीत विवर्धना सुख और प्रेम बढ़ाने वाले भोजन सात्विक को प्रिय होते हैं। इसलिए जितना खट्टा पदार्थ खाएंगे, मिर्च खाएंगे, खूब गरम गरम चाय पियेंगे या गरम गरम दूध को खोलता हुआ पियेंगे भैंस का, आप में रजोगुण पैदा होगा। तमोगुणी व्यक्ति तो कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकता। आज तो हिंदुओं का इतना पतन हो गया है कि वो भी कहते हैं कि गाय का मांस खाने में क्या दोष है, उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन ही आपकी रक्षा नहीं करता है। ये याद रखिए, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया तो उसके तो चरण छूते हैं, और वो घास खा करके बेचारी आपको माँ के समान मधुर दूध पिलाती है तो उसकी गर्दन काट कर उसका मांस खाएंगे तो आप सुखी थोड़े रह सकते हैं। अमेरिका में पशुओं का मांस खाने के लिए इतना अन्न खिला दिया जाता है कि वह अन्न यदि पशुओं को न खिलाया जाए तो आधी दुनिया 3.5 अरब दुनिया बैठे बैठे खा सकती है। लेकिन होता क्या है, संसार में कितने लोग भूख से मर जाते हैं और पशुओं के मांस को बढ़ाने के लिए उनको अन्न खिलाया जाता है। अमेरिका में यदि सबसे दुखी प्राणी है तो कौन है? गाय। और वहाँ के लोगों की मानसिकता देखिए, सवेरे के नाश्ते में भी गाय का मांस चाहिए, दोपहर भी मांस चाहिए, रात को भी मांस चाहिए और बियर चाहिए। अमेरिका के पास पैसा है लेकिन क्या उनके पास शांति है? नहीं। तो जो तामसिक पदार्थ आप खाते हैं उसमें जीवा को जितना अनिवार्य है, ये तामसिक पदार्थ आपकी बुद्धि को विकृत करेंगे। प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है कि जीवा को
को जीतने के लिए क्या करें, तो ये जीवा विचित्र है, ये ज्ञानेन्द्रिय भी है कर्मेंद्रिय भी है, ये छह रसों का सेवन भी करती है और बोलने का भी कार्य करती है। किसी की जीभ ना हो तो बोल नहीं सकता। यदि ये जीवा से कड़वे शब्द निकलते हैं, ये जीवा कटु शब्द निकाल कर खुद छिप जाती है, और डंडे किस पर पड़ते हैं, बेचारे सिर पर, उसने तो कुछ किया नहीं होता। इसलिए जीवा का संयम बहुत जरूरी है, बोलने में भी और खाने में भी। यदि आप तीखी तीखी खूब मिर्चें खाते हैं, खूब उत्तेजक गर्म मसाले खाते हैं, लहसुन प्याज की छौंक लगाते हैं, तो आपको गुस्सा तो आएगा, आपकी कर्मेंद्रिय भी दूषित हो जाएगी, आपकी बुद्धि भी दूषित हो जाएगी। इसलिए यदि अध्यात्म के पथ पर चलना है तो सात्विक आहार अनिवार्य है। आयु सत्त बल आरोग्यम, आपके शरीर में वृद्धि कब होगी, जब सात्विक आहार करेंगे। आयु सत्त बल आरोग्यम सुखम प्रीत विवर्धना, सात्विक आहार करके देखिए आपके मन को कितनी शांति लगती है। उस दिन मैंने कहा था, गीता में एक श्लोक बताया गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टा, युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःख। युक्त आहार विहार, न कम खाइए न अधिक खाइए। जो लोग ये सोचते हैं कि हम भोजन बिल्कुल छोड़ देंगे तो राज्य मिल जाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। और जो ठूस ठूस कर खाते हैं वो भी ध्यान के योग्य नहीं होते। इसलिए उचित खाइए, न कम खाइए न अधिक खाइए, जिससे शरीर स्वस्थ रह सके, आप इतना कमजोर ना हो जाए कि बैठने की शक्ति न रह जाए। बुद्ध ने यही भूल की, और यह भूल मीराज जिसे भी कराई गई, किस लिए, हमको शिक्षा देने के लिए। श्री मीराज कसने पर उतर आते हैं कि हमको परमधाम देखना है, वो क्या करते हैं, प्रतिदिन एक आना मैंने छः पैसे का जो वजन होता है उसके बराबर अन्न ग्रहण करते हैं। बुद्ध ने तो अति कर दी थी, राजकुमार सिद्धार्थ ने, वे अन्न का एक दाना लिया करते थे। राजकुमार सिद्धार्थ की हड्डियां दिख रही हैं लेकिन शरीर में जठराग्नि तो है, जब उस जठराग्नि को आहार नहीं मिलेगा तो वो शरीर को खाएगी, शरीर में मांस नहीं रह जाता है, केवल हड्डियों का ढांचा बना रह जाता है। यही स्थिति मीराज के भी हफ्से में हो जाती है। आ भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो। जो राजकुमार सिद्धार्थ की स्थिति हुई थी मीराज की भी हो जाती है। हाड़ हुए सब लकड़ी सिर सिर्फ लगिन, हड्डियाँ लग रहा है कि केवल हड्डियाँ रखी हैं। तो आप भी ये सोचिए कि छः महीने में मीराज ने ऐसा कर लिया तो हम भी खाना पीना छोड़ दें तो राज्य मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो ध्यान का मार्ग है वो क्या है, युक्त आहार विहार, उचित भोजन, न कम न अधिक, क्योंकि अधिक करेंगे तमोगुण पैदा होगा, कम करेंगे मात्रा से अधिक कम कर देंगे, शरीर में बैठने की शक्ति नहीं रहेगी तो ध्यान कहाँ से होगा। क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ को बोध हुआ था किससे, जब कुछ महिलाएं गीत गाती हुई जा रही थी कि वीणा के तारों को जोर से न खींचो नहीं तो वो टूट जाएंगे, वीणा के तारों को ढीला न करो नहीं तो वे नहीं बजेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ को समझ में बात आ गई कि मैं अन्न का एक एक दाना जो खा रहा हूँ मेरे शरीर में तो शक्ति ही नहीं है। वो घटना ऐसी है, देखिए सुंदर साथ के लिए प्रेरणादायी है। हम सुंदर साथ कितने गुनाह कर रहे हैं शायद हमको एहसास नहीं है। जब न्याय की लीला होगी, संसार के सारे जीव इकट्ठे होंगे तो कहेंगे कि परमधाम की ब्रह्मात्माओं ने कौन सा तीर चला लिया। आप देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती लंगोट पहनकर, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, कोई कंबल नहीं है, 2.5 वर्ष तक गंगोत्री के पास एक गुफा में ध्यान करते रहे। हमारे समाज में कोई है केवल लंगोट पहनकर गंगोत्री में 2.5 साल बिताने वाला? एक भक्त था जो उनको भोजन पहुंचा दिया करता था। एक बार उन्होंने 18 घंटे की समाधि लगाई थी, हमको तो 2 घंटे बहुत मुश्किल से होते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ राजकुमार हैं, सर्दी गर्मी का उनमें अनुभव नहीं था, लेकिन एक ब्रिज के नीचे बैठे बैठे 7 वर्ष गुजार देते हैं कि मैं दुखों से पार होने का मार्ग खोजूं,
उनको ज्ञान का प्रकाश बाद में मिलता है, उन्हें परमधाम का ज्ञान नहीं मिलता। उन्होंने यही बस जाना कि मन की तृष्णाओं को जब हम जीत लेंगे तो हमें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। मन को जीतिए आर्य। उन्होंने भी अष्टांग मार्ग का ही अनुसरण किया और संसार को यही बताया कि किस तरह से सम्यक कर्म, सम्यक आजीव का, सम्यक समाधि के द्वारा हमें सत्य का बोध होगा, वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। उन्होंने ये बात दर्शाई। आज हम सुंदर साध को क्षर से लेकर परम धाम तक का ज्ञान मिला हुआ है, लेकिन हम अध्यात्म के किस स्तर पर हैं? किसी भी वार्षिकोत्सव में जाइए, कहीं के वार्षिकोत्सव में जाइए तो केवल अच्छे अच्छे प्रकार के भोजन ही तो खाने को मिलते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े धनवान सेठ इकट्ठे होते हैं और सबने लंगर चला रखा होता है। कई कई प्रकार की सब्जियां होती हैं, विशेषकर पंजाब में तो ज़्यादा है और गुजरात में भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं केवल शरीर को भोजन दिलाने के। आत्मा के सुख की किसी को परवाह नहीं है कि सबको चितवनी में बैठाया जाए, परम धाम के युगल स्वरूप का दर्शन कराया जाए। परिणाम क्या हो रहा है? हमारा समाज दिन पर दिन अधोगति की तरफ जा रहा है। मैं वही बात बता रहा था, युक्त आहार विहारस्य, भोजन की मात्रा इतनी अधिक न हो जैसे कि आजकल चल रहा है। जो हमारे वार्षिकोत्सव में, मैं सरसावा की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य स्थानों पर जितना भोजन स्वादिष्ट जैसे होटलों में भोजन कराया जाता है, वो तरह तरह के व्यंजन होते हैं, हम भर पेट ठूस कर खा लेंगे तो 2 घंटे कहाँ से बैठेंगे ध्यान में। और महाराज जी ने जब सीमा लांग दी, शरीर में इतनी शक्ति नहीं रह गई कि वो चल फिर सकें, तो बाल भाई ने महाराज को सदगुरुधर देवचंद जी से बात करवाया कि महाराज को आप इससे रोकिए, किसी काम में लगा दीजिए, नहीं तो यह महाराज कठोर साधना पर उतर आए हैं और इसे शरीर का क्षय हो जाएगा। मैं राजकुमार सिद्धार्थ की बात थोड़ा सा कहना चाहूँगा। एक ऐसा राजकुमार जो सारे सुख ही सुख देखा है, दुख का उसे अनुभव नहीं, जब वो साधना पर उतरता है तो बस्ती में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। धीरे धीरे वो क्रम भी बंद हो गया, कोई आकर ला कर के दे देता है, खा लेते हैं, अन्न का एक एक दाना खाने लगे हैं, चलने की शक्ति नहीं। निरंजना नदी में स्नान करने लगे थे, बेहोशी में गिर पड़ते हैं, किसी तरह से उठते हैं, एक डाल का सहारा पाकर धीरे धीरे जब चलते हैं, रास्ते में बेहोश होकर पुनः गिर जाते हैं। तब एक युवती आती है, सुजाता, वो वृक्ष देवता को खीर चढ़ाने वाली थी, उसने खीर उनके मुख में डाल दिया, धीरे धीरे उनकी चेतना लौटी, नहीं तो उस दिन राजकुमार सिद्धार्थ के प्राण निकल सकते थे। जब होश में आया तो उसने खीर रख दिया और खीर को खाया राजकुमार सिद्धार्थ ने। सुन चुके थे स्त्रियों का वो गीत जिसमें कहा गया था कि वीणा के तारों को जोर से न खींचो नहीं तो वो टूट जाएंगे। उन्होंने समझ लिया कि शरीर को हम आहार बिल्कुल नहीं देंगे तो शरीर जो धर्म का साधन है, मोक्ष का साधन है, परमात्मा का दर्शन कराने के लिए शरीर मिला है। आप ये देखिए, इस शरीर से कीमती और इस शरीर से बेकार कुछ भी नहीं है। जितने पशु पक्षी हैं उनकी हड्डियां भी काम आती है, उनका चमड़ा भी काम आ जाता है, हम लोगों का कुछ भी शरीर का कोई काम नहीं आएगा। हाँ, जीवित रहते किसी की किडनी, लीवर और आंखें बेच दी जाए तो जरूर पैसा मिल सकता है, मरने के बाद तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं। और हमारा शरीर ऊपर से सुंदर दिखता है और सबको मालूम है कि हमारे शरीर में गंदगी का ढेर तो रहता ही है, मलमूत्र, कफ हो जाने के बाद नाक से भी कितनी गंदगी निकलती है। लेकिन यही शरीर है जो परमात्मा से हमें मिला सकता है, यही शरीर है जो इस दुनिया में रहते रहते प्रीतम परब्रह्म के सम्मुख हमारी आत्मा को करेगा। इसलिए इसकी सुरक्षा करनी है, इसकी इसका ध्यान रखना है कि ये
अधिक से अधिक समय तक हमारे जीव के साथ रहे ताकि हमारा जीव अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए हमारे मनीषियों ने क्या कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन है शरीर। विषय भोग भी इसी से होता है, परमात्मा की भक्ति भी इसी शरीर के माध्यम से होती है। शरीर छूट जाने के बाद बड़े से बड़े योगी को भी दूसरा तन धारण करना पड़ता है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। स्वामी राम जी ने एक घटना का वर्णन किया है कि मेरे सामने एक वयोवृद्ध महात्मा थे, मैंने जीवन में उनसे सुंदर कोई महात्मा नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि स्वामी राम, आज मेरा शरीर अभी छूटने वाला है, इसके बाद इसका तुम दाह संस्कार कर देना। मैंने कहा कि स्वामी जी, आप इतने सुंदर हैं कि मैंने आज तक किसी को इतना सुंदर नहीं देखा, और आप इस सुंदर शरीर को क्यों छोड़ना चाहते हैं। कहा कि भाई, आज इसकी उम्र पूरी हो जा रही है, मुझे ध्यान करना है, इस तन से मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा, अब दूसरा तन धारण करूँगा, किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाऊँगा ताकि मेरी साधना पूर्ण हो सके। उतने बड़े योगी को भी शरीर की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो शरीर को विषय भोग का साधन कर लेता है, वो सोचता ही नहीं कि शरीर की कीमत क्या है। जितना भोगों को भोगता जाता है, उसके चित्त के संस्कार प्रबल होते जाते हैं और धंसता है। जैसे दलदल में पैर धंस जाए, उसको निकालिए जबरन तो और दूसरा पैर भी धंसता जाता है, वैसे विषयों में फंसा हुआ व्यक्ति और विषयों में दिन पर दिन फंसता जाता है। उसके हृदय में जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो, तब तक उससे निकल नहीं पाता। मैं वो बात कह रहा था कि शरीर को आहार दीजिए, सात्विक दीजिए, उससे शरीर में शक्ति बनी रहे। जीवा को तृप्त करने के लिए प्रयास मत कीजिए, ये जीवा कभी भी तृप्त नहीं हो पाएगी। आप प्रतिदिन एक कप चाय पीते हैं तो साल में 365 कप चाय पी जाते हैं, और 10 साल में 3650 कप चाय पीते हैं। आप सोचिए आपके शरीर में कितनी कैफीन गई। एक मिर्चा खाएंगे तो 10 साल में 3650 मिर्चें तो आपने खा लिया। उसका रस अंदर जाएगा तो आपका मन कहाँ से शांत होगा। आप तो कहते हैं कि ज़्यादा नहीं खाता हूँ, बस एक मिर्ची खाता हूँ। तो आप विवेक लीजिए, सात्विक आहार जब तक नहीं करेंगे, आप ध्यान समाधि के राज्य के पाने के योग्य नहीं हो सकेंगे। आज मैंने व्याख्या की युक्त आहार की। आगे शाम के मंच पर आगे का जो कथन है बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी व्याख्या की जाएगी, क्योंकि अभी अब हमारे बीच में शशांक जी का प्रवचन होगा, उसको आप सुनिए।